तो कहते हैं आप सर, वेलकम टू आवर चैनल बिकम अ फुल स्टैक डेवलपर। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि आप कैसे डाटा एंट्री के जॉब करके उसे अर्निंग कर सकते हैं, और आपको मैं सारा प्रोसेस बताऊंगी कि आपने डाटा एंट्री की जॉब के लिए अप्लाई कैसे करना है, अपनी सीवी कैसे बनानी है और उस ऑर्डर को करना कैसे है। ये काफ़ी ईजी प्रोसेस है, आप डाटा एंट्री का जॉब आप सिंपल इसमें टाइपिंग ही करनी होती है। आप सब हमेशा से यही, अगर आपके पास कोई भी स्किल नहीं है और आप इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना चाहते, तो आप डाटा एंट्री की जॉब ही करेंगे, ठीक है। तो इसके बहुत ही इजी मेथड है, आपने पूरी वीडियो देखनी है, और इसमें आपने कहीं भी इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं करनी। मैं आज आपको दो वेबसाइट पर बताऊँगा, एक तो पीपल पर और एक ये वेबसाइट है, और एक है सिंपल हायर। ये दोनों ऑफिशियल वेबसाइट है, मार्केट प्लेस है फ्रीलांसर के लिए, और ये बिल्कुल फ्री है। आपको इसमें पेमेंट लेने के लिए कोई भी आपको पेमेंट नहीं देनी कि आपने पेमेंट कर लिया और आपको वो पेमेंट मंगवाने के लिए पेमेंट देनी। आपने कहीं भी किसी को अपने काम के लिए, आप काम खुद कर रहे हैं तो आप उसके लिए बिल्कुल भी पे नहीं करेंगे पेमेंट। आपने वर्किंग किया, आपको सिर्फ पैसे चाहिए, ना कि आपने देने हैं। तो मैं ये सारे आपको इस वीडियो में बताऊंगी, तो आपने वीडियो लाजमी देखनी है और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो बगैर वक्त के मैं आज की वीडियो स्टार्ट करती हूँ। आपने सबसे पहले डाटा एंट्री की जब अगर आप करना चाहते हैं, तो आपने सिंपली हायर एक वेबसाइट है, इस पर आपको सर्च कर लेना, और जो फर्स्ट वेबसाइट है इस पर आपने क्लिक कर देना, ओके। तो अब आपने इस पर करना क्या है, आपने इसके ऊपर अपनी स्किल है जिसके आप अप्लाई करने वाले हैं, उसको आपने यहाँ पे सर्च कर लेना है। डाटा एंट्री लिख देते हैं, ओके। तो देखो डाटा एंट्री आ चुके हैं हमारे पास, और यहाँ पे हमने वो कहते हैं लोकेशन लिखे कि आप किस स्टेट से करना चाहते हैं, किस स्टेट से आप काम लेना चाहते हैं, लेकिन हमें ये ऑनलाइन चाहिए, हम इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे रिमोट, कि हम कहीं से भी जॉब कर सके, ओके। तो यहाँ पे अब हम रिमोट हटा देते हैं क्योंकि हमने सामने लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम डाटा एंट्री क्लिक कर देते हैं, और यहाँ पे हम कर देते हैं सर्च जॉब। तो अब देखते हैं कि हमारे पास रिजल्ट कहाँ आता है और कैसे आता है। तो ये देखिए, यहाँ पे 913 डाटा एंट्री की जॉब रिमोट में अवेलेबल है, हम उस पर किसी पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि हम इस पर कैसे अप्लाई करेंगे। एस्टिमेटेड ये आपको ईयरली दे रहा है 52,000 डॉलर्स वो आपको दे रहा है, लेकिन हमें इतनी ज़्यादा नहीं चाहिए क्योंकि ये काफ़ी ऑप्शन ही होगा। फिर वह डाटा एंट्री का जो काफ़ी किस्म का होता है, इसमें से आप साथ भी देख लें, डाटा एंट्री स्पेशली डाटा एंट्री टीम। आपको डाटा एंट्री में सिर्फ आपको एक डॉक्यूमेंट नहीं दिया जाएगा जो आप लिख देंगे, इसमें आपको सिर्फ डाटा ऐड करना होता है, कैसे सर्चेज करनी होती है, जैसे टॉप रेटेड अगर कोई आपको कहता है कि कीवर्ड सर्च करके दें तो आपको वो करने होता है। तो ये भी एक डाटा एंट्री के काम में आता है, कि अगर आप एनालिसिस करें, एनालिटिक्स करें किसी काम की, तो ये भी डाटा एंट्री में आएगा। तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, आपने जो भी आप ऑर्डर नहीं, वो आपने सिंपली गूगल या चैट जीपीटी या गूगल बार्ट पे सर्च कर लेना, ठीक है। तो यहाँ से हम कोई भी जॉब देख लेते हैं जो कि हमें अच्छी लगती है अपने मुताबिक, ऑफिसर, ऑफिस असिस्टेंट, जूनियर डाटा एंट्री स्पेशलिस्ट, 4 मंथ कॉन्ट्रैक्ट है, एक डाटा एंट्री लीड। और तो हम ये फर्स्ट है, इसमें 4.3 उसके रेटिंग भी काफ़ी अच्छी है, तो हम इसे भी अब देखते हैं कि इसे हमारे मुताबिक है या नहीं। $20 वो पर आवर दे रहा है, मतलब ये घंटे के हिसाब से आपको $20 दे रहा है, फुल टाइम जॉब है ये। और 18 आवर्स होगा उसने अपलोड किया, अभी उसने हमारे सिर्फ 18 घंटे से अपलोड किया, ठीक है। इसमें आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएटिंग मेंटेनिंग हाई लेवल नेविगेटिंग आइटम्स सच एज बजट्स, उसने इस चीज़ का सारा डाटा एंट्री बनानी है उसकी टीम के हिसाब से, उसकी कंपनी के हिसाब से ये सारे डाटा बनाने में आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करेगा। आपने सिर्फ उसमें से वो चीज़ें निकालें और बस आप ये सारा रेट कर लीजिएगा, स्किल वगैरह क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए तो वो भी आप देख लेते हैं। ये सारा तो आपकी सीवी में होगा, आपको ये आता होगा, आप ये सब कुछ आपका काम हो जाएगा, आपने इसकी टेंशन नहीं लेनी, आपने सिर्फ अप्लाई करना। अगर आपको वो जॉब मिलेगी तो आपने क्या करना है, इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दें, मैं आपको बताऊंगी कि आपने वो जॉब कैसे करनी है, या तो आप उसे गूगल वगैरह चैट जीपीटी पे भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। मंडे टू फ्राइडे शेड्यूल डाटा एंट्री 1 ईयर रिक्वायर्ड है, ठीक है। 1 साल का एक्सपीरियंस हो और आपने अपनी सीवी में 2 ईयर या 5 ईयर्स आप जरूर कर सकते हैं, ओके। तो हम इसमें से किसी भी जॉब पे अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ से अभी मैं इसी जॉब पे आपको अप्लाई करके बता देती हूँ कि आपने अप्लाई करना कैसे है। क्विकली अप्लाई कर देते हैं, ओके। तो यहाँ पे हमने अपना डिटेल्स वगैरह देनी है, तो यहाँ पे हम अपना फर्स्ट टाइम लिख लेंगे, ओके। तो हमने यहाँ पे अपनी ईमेल भी लिख लिया, अपना नेम भी लिख लिया, यहाँ पे हम अपना फ़ोन नंबर भी लिखेंगे, ओके। तो हमने वो कंटिन्यू कर दिया, अपनी सारी इन्फॉर्मेशन देख ली। यहाँ पे अब हमने अपना नेक्स्ट क्या करना है, हमने यहाँ पे सीवी अपलोड करनी है, ठीक है। तो हम अपनी सीवी कैसे अपलोड करेंगे, अगर आपके पास सीवी नहीं है
तो आपको मैं बताती हूँ कि आपने वो बनानी कैसे। अगर आपके पास है तो आपने सिंपली यहाँ पे अपलोड सीवी कर देंगे, ठीक है। अगर आपके पास नहीं है तो आपने वो क्या करना है वो आपको बताती हूँ। आपने सबसे पहले चैट जीपीटी पे आ जाना, ये मेरे आपको थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा क्योंकि इससे मैंने AIPRM एक्सटेंशन डाउनलोड की हुई है, इंस्टॉल की हुई है, तो आपकी मर्जी आप करें ना करें ये आपकी चॉइस है, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे लिख लिया क्रिएट अ रिज्यूम फॉर डाटा एंट्री एंड सादर सैन विद 2 ईयर एक्सपीरियंस इन डाटा एंट्री, तो आपने ये कर देना है एंटर। तो ये आपको कंप्लीट सारे आपके सीवी आपको खुद ही बना के दे देगा, उसके साथ ऑब्जेक्टिव के लिहाज से, एक्सपीरियंस के लिहाज से, उसके स्किल्स के लिहाज से आपको ये सब कुछ बना के दे देगा, ठीक है। अब अपने इसको अपने मुताबिक हमने एंटर करना है, सर्टिफिकेशन वगैरह सब कुछ हमने क्या करना है, अब हमने इसको करना है कॉपी करना है और इसको जाके हमें डॉक्यूमेंटेशन पे आ जाना है, ठीक है। तो मैंने वो उसको पे पेस्ट कर दिया और मैंने उसको अपने मुताबिक एडिट कर लिया, सादा हुसैन और मैंने किया है। तो अब मैं इसको सेव कर लेती हूँ, यहाँ से यहाँ पे आपने इसको अब हम यहाँ पे कर लेते हैं, फाइल में जाते हैं, फाइल से इसको डाउनलोड कर लेते हैं और इसको डाउनलोड करना है आपने PDF डॉक्यूमेंट में, ठीक है। तो हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं, ओके। तो हमारी जो CV है, जो रिज्यूम है वो डाउनलोड हो चुका है, अब हम इसको यहाँ पे कर देते हैं अपलोड, ठीक है। तो अब हम देख लीजिए, देखिए ये रिज्यूम है वो हमारा तैयार हो चुका है, इसको कर देते हैं ओपन, इसको यहाँ पे ही हमारे अपलोड हो चुकी है, ठीक है। अब हमने इसको कंटिन्यू कर देना है, कंटिन्यू करके क्वेश्चन फ्रॉम द एम्प्लॉयर, हाउ मेनी ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, तो हम यहाँ पे 2 ईयर लिख देते हैं, इसको कर कर देते हैं, आपकी मर्जी आप इसको 5 ईयर लिखिए या जितना मर्जी लिखिए, ठीक है। जो आपका टाइटल क्या है, डेटा एंट्री स्पेशलिस्ट लिख देते हैं, नीचे ऑप्शन भी आ चुका है, और नीचे आपने कोई भी कंपनी का नाम लिख देना है, आप कोई भी लिख सकते हैं, एक्मी कॉर्पोरेशन, ठीक है। ये हमने लिख दिया, ऐसे किसी भी कंपनी का नाम लिख दिया, यहाँ पे हम कर देते हैं कंटिन्यू, ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट, ये हमारी सारी डिटेल्स वगैरह आ चुकी है और हम इसको वो कहेंगे रिव्यू करें इसे, तो हम वो देख लेते हैं, सारे ऊपर आपकी डिटेल होगी, आप इसमें सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी दे सकते हैं आपके कुछ पर्सनल, बल्कि यहाँ पे हमने कवर लेटर लिखना है, ठीक है। तो हम कवर लेटर देख लेते हैं, ओके। तो यहाँ पे हमने अब लिखना है कवर लेटर, हम इसको ऐड करेंगे, ऐड अ कवर लेटर, अप्लाई विदाउट ऐड अ कवर लेटर, हम यहाँ पे कवर लेटर लिखेंगे। कवर लेटर हम इसका लिखेंगे कैसे, अगर आपको लिखना आता है तो वेल एंड गुड, आप वही यहाँ पे लिख लेंगे, लेकिन हम अगर नहीं आता तो हमने आ जाना है चैट जीपीटी पे, यहाँ पे लिखना है हमने राइट अ कवर लेटर फॉर डेटा एंट्री स्पेशलिस्ट जो, ठीक है, और हम इसको कर देते हैं एंटर सिंपली, ओके। हम देख लेते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है, और ये देखिए इसने हमें सारा सब कुछ लिखकर दे दिया है नीचे तक, हमने इसको अपने मुताबिक एडिट कर लेना है, यहाँ पे योर नेम की जगह अपना नाम लिख लेना है और ऊपर भी कुछ हमने एडिट कर लिया, तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको सबसे पहले हम आएंगे यहाँ और यहाँ से अब हमने बैक पे जाना है, इसको हम पहले डॉक्यूमेंट में आके एडिट करेंगे, ठीक है, ताकि हम वहाँ जाके एडिट ना करना पड़े, ओके। यहाँ पे हम प्लस ले लेते हैं और यहाँ पे हमने जो हमारे वहाँ पे लिया है उसको हम यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट, ठीक है। तो ये हमारी सारी पेस्ट हो चुकी है, इसको हम थोड़ा सा एडिट कर लेते हैं हम अपने मुताबिक, आपने अपना नेम वगैरह लिख लेना है, ओके। तो मैंने इसको सारा अपने मुताबिक एडिट कर दिया, अब मैं इसको सिंपली कर लेती हूँ कॉपी, तो ये देखिए मैंने इसको कर लिया है कॉपी, इसको वही अपनी पे आके या कवर लेटर पे आके कर देते हैं पेस्ट, तो ये मेरा कवर लेटर हो चुका है, इसको हम क्लियर कर दें, वो भी कर देते हैं, तो हम इसको कर देते हैं अपडेट, ठीक है। तो ये हमारे कवर लेटर भी तकरीबन हमारे सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ चुकी है, ओके। अब हम इसको सबमिट योर एप्लीकेशन कर देते हैं, ओके। तो हमें यहाँ पे सबमिट योर एप्लीकेशन कर देनी है, तो ये हमारा एक हो चुका है, हमने एक के लिए अप्लाई कर लिया। आप ऐसे करके आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, आप जब का अगर आपको आना होगा तो आपको मेल आ जाएगी, आपको आपके मैसेज में भी आ सकता है, फिर आपने अपना कवर अपने यहाँ पे क्रिएट अकाउंट भी कर लेना है, ठीक है। वो मैंने आपको आपकी मर्जी आप मतलब जब आपको आए के मैसेज तो आप वो भी कर लीजिए, ठीक है। तो बाकी भी जॉब आप देख लें जिस पर अप्लाई करना चाहें, तो एक तो यह हो चुकी है, ठीक है, डाटा एंट्री की जॉब। इसके अलावा मैं आपको दूसरी वेबसाइट बताइए जो कि मैंने आपको तो मैं बताऊँगी, वो है पीपल फॉर आर, पीपल पर आर्ट पर भी सेम वैसे ही जॉब करता है ये, हम इसमें आ जा रहे हैं, इसमें अपने आपने फ्रीलांसर है तो आपने फ्रीलांसर पे क्लिक कर देना है, जहाँ पे आई वांट टू वर्क एज अ फ्रीलांसर आपने यहाँ क्लिक कर देना, साइन अप विद गूगल आई मेल सॉरी कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर अपना नेम लिखेंगे,
यहाँ पे आपने इसको कॉपी पासवर्ड दे देना है। कर देते हैं सिंपली साइन अप। किंतु जब मैंने इस पर अप्लाई किया तो उन्होंने कहा सॉरी वी आर क्लोज्ड और वी आर एक्सपेक्टिंग अ हाई नंबर ऑफ फ्रीलांस एप्लीकेशन एंड अनेबल टू एक्सेप्ट एनी फर्दर एप्लीकेशन। ओके, तो ये फील थी, इससे पहले पे ब्लॉग फिल हो चुके हैं तो हम कोई और वेबसाइट देख लेते हैं कि वहाँ पर डेटा एंट्री की जॉब कैसे करते। तो मैंने एक दूसरी वेबसाइट देखी, ये इंडीड है, ये पाकिस्तानी वेबसाइट है। यहाँ पे आप कोई भी अपनी लोकेशन सर्च करके वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब अगर आप रिमोट जॉब नहीं भी करना चाहते, अगर आप फुल टाइम अगर आप अपने शहर में की करना चाहते हैं तो आप डाटा एंट्री लिख के यहाँ पर, अगर आप कोई भी लोकेशन है, लाहौर है, पंजाब, इस्लामाबाद है, रावलपिंडी है, कुछ भी लिख के आपने इसको फाइंड जॉब कर देना है। जब आप फाइंड जॉब करेंगे तो लाहौर में जितने भी डाटा एंट्री स्पेशलिस्ट की जॉब हो गया आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट है ये डाटा एंट्री जॉब सेंटर इस लाहौर में, ठीक है, डाटा एंट्री स्पेशलिस्ट की जॉब है। आप इस पर अप्लाई नाउ कर दें और 30,000 तो 50,000 आपको मंथली देंगे। तो आपने इसको सिंपली अपने गूगल से साइनअप कर लेने हैं। ओके, तो हमने इस जॉब के लिए भी वैसे अप्लाई करना है, अपने सिंपली स्टार्ट में साइनअप कर देना अपने नेम्स, ईमेल और अपने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट आपने यहाँ पे रिज्यूम अपलोड करना है। रिज्यूम आप वही अपलोड कर देंगे जो कि आपने पहले बनाया था, अभी जो मैंने अपने चैट जीपीटी से अपने पहले अपलोड किया, हमने ये हमारा प्रोडक्ट अपलोड हो चुका है। अब हमने यहाँ पे इसको कंटिन्यू कर देना और नेक्स्ट देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट प्रोसेस क्या है। तो यहाँ पे आर यू कंफर्टेबली कमिंग टू बैरेट एंड दिल्ली, तो आप यहाँ पे मतलब जे लाहौर की लोकेशन है तो आप उसके लिए कर सकते हैं। नो, तो आप मतलब व्हाट इज़ योर टाइपिंग स्पीड, तो आप ये भी कर सकते हैं। ये मतलब एक क्वेश्चन है, अगर आप लाहौर में हैं तो आपने इसको अप्लाई वगैरह कर देना। तो मतलब मैं तो नहीं करूँगी, तो लेकिन अभी मैं इसको कंटिन्यू कर देती हूँ। कंटिन्यू करने के बाद नेक्स्ट देख लेते हैं कि आपका जॉब टाइटल क्या है, रिलेवेंट एक्सपीरियंस कोई है, ऑप्शनल है, आप यहाँ पे वही डाटा एंट्री स्पेशलिस्ट वगैरह कर सकते हो। लेकिन अगर ये मतलब फिजिकल जॉब है तो इसके लिए आप मतलब आप अगर गलत एक्सपीरियंस लिखेंगे तो आपको ज़्यादा ज़्यादा पता चलेगा। तो आप इसको भी रहने दें, कंटिन्यू कर दें इसको और नेक्स्ट देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्या हो रहा है। जैसे हमने नो नो कर दिया और आपने यहाँ पे सिंपली अपनी एप्लीकेशन सबमिट जो एप्लीकेशन कर देनी है, तो ये आपकी एक और जगह आपने अप्लाई कर दिया। तो इसी तरह आपने इस तरह डाटा एंट्री की जॉब के लिए अप्लाई करना है, काफ़ी ईजी सी जॉब्स होगी, आप रिमोटली कर सकते हैं और लोकेशन पर जाकर भी कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर कोई भी आप क्वेश्चन कहने समझ नहीं आया या अगर आपको जॉब आती है तो आपको वो करने नहीं आ रही, तो आपने इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करना है, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगी। तो आज तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।